नहीं नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। जिला कांग्रेस कमेटी उमरिया के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगर परिषद नौराजाबाद के इंटर कार्यालय में चुनाव प्रभारी नीरज द्विवेदी जी की अध्यक्षता में ये बैठक प्रारंभ की गई। इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 15 वार्डों के प्रत्याशी के फॉर्म भरने की बात की गई एवं आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी की गई। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी के द्वारा चुनाव के विषयों पर रोशनी डालते हुए सभी प्रत्याशियों को अपने अपने वार्डों को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए गए। वहीं नगर परिषद नौराजाबाद चुनाव प्रभारी के द्वारा चुनाव की रूपरेखा बनाते हुए कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी का चयन करने की बात भी कही गई और सभी वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्राप्त करें ऐसी कामना भी की। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव शकलीन खान जी ने बैठक में उपस्थित सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को आगामी चुनाव के बारे में संबोधित किया गया। वहीं इस बैठक में आए हुए प्रत्याशियों के द्वारा अपनी अपनी दावेदारी दिखाते हुए बायोडाटा फॉर्म चुनाव प्रभारी नीरज द्विवेदी जी को दिया गया। इस बैठक में नौराजाबाद चुनाव प्रभारी नीरज द्विवेदी, प्रदेश सचिव शकील खान, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश शर्मा, सुभाष नारायण, सुरेश सिंह, अशोक मिश्रा, निर्मला तिवारी, मोहम्मद हुसैन, शिव प्रसाद यादव, रामकृपाल विश्वकर्मा, सकीर खान, दिलीप तिवारी, नर्मदा सिंह, सुरेश एवं समस्त कांग्रेस के सदस्यों की उपस्थिति में बैठक हुई संपन्न। क्या है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत जो है यहाँ पे उनके आदेश के अनुसार ये बैठक आज आयोजित की गई है और इस बैठक में जो नगरी चुनाव होने जा रहे हैं उस परिवेश में यहाँ पर सभी कांग्रेसियों को बुलाया गया था। आज की जो बैठक है वो नगर पंचायत नौरजाबाद के चुनाव की रायशुमारी के लिए बैठक हुई है। हम सब लोगों ने मिलकर बैठा है और बैठ के लोग जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहते हैं, उन सब के बीच में रायशुमारी हुई है कि जीतने वाले कैंडिडेटों को मौका दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पार्षद बन के आएँ। पिछली बार हमारे 6 पार्षद थे, इस बार सिर्फ हमको 2 पार्षद की और आवश्यकता है। तो हमारी प्रयास है कि नगर पंचायत नौरजाबाद में कांग्रेस पार्टी का परचम बुलंद हो, कांग्रेस पार्टी के लोग बैठें, सबके बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित हो, सब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। ये समस्या है सर, पहले 1100 रुपया बक्स मिलता रहा था, हमारे ठेकेदार ने शनिवार को डेट से बोला है कि यह आपको 200 रुपया बक्स मिलेगा और आप दो ही आदमी में एक एक आदमी में काम किया जाए तो हमारे 4 लेबर कहाँ जाएंगे, 4-6 लेबर नहीं तो कौन से बॉक्स खाली करने के लिए आपको 200 रुपये मिलेगा बोला गया है? बीओबी और दूसरे जो बॉक्स खाली करेंगे वो तो एनी बॉक्स 1100 रुपया एन बॉक्स। और पहले बीओबी खाली करने का कितना पैसा मिलता था? 1100 बॉक्स। अच्छा, 1100 रुपये काट के उसको कम कर दिया गया। कम कर दिया गया। और क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या यही है सर कि गेट पास नहीं है, हमको बिना गेट पास के काम करवाया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं दिया जाता है हमको, जैसे हेलमेट हो गया, जूता हो गया, यही समस्या है। कितने वर्षों से आपको जूते हेलमेट ये सब नहीं मिले? अभी 3-4 साल से, पहले तो जूता मिलता था सर, अभी 3-4 साल से जूते नहीं मिले। ये पहले तो सुरेश अग्रवाल, अब नया टेंडर है तो हमको ठेकेदार का ही मालूम नहीं है कि कौन सा है, वो पेटी कंडक्ट में चतुर्वेदी नाम का एक ब्राह्मण है, वही ठेका लिया है बोलता है मेरे। हमें जो पहले काम करते थे उसमें हमें 1100 रुपये बॉक्स मिलता था, लेकिन अब बीओबी में हमें 200 रुपये बॉक्स दिया जा रहा है, जिससे कि हम बहुत परेशान हैं और हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, जैसे कि सेफ्टी में ना जूता, ना नोज मास्क, ना हेलमेट। और तीसरी प्रॉब्लम ये है, पानी भी इतना गर्म आता है जिससे हम कोई भी ना नहा सकते ना पी सकते, और बस परेशानियां यही हैं। गेट पास नहीं बना, गेट पास के लिए कई बार डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है, कई बार ऐसे ले चुके हैं। गेट पास के बिना कब से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? गेट पास के बिना हमको 3-4 नहीं
कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे सर लगभग। 10 साल से आज तक आपको गेट पास नहीं मिला? नहीं मिला सर, बिना गेट पास के ही आते हैं और जाते हैं। और सेफ्टी की चीज़ें आपको कब से नहीं मिली हैं? सेफ्टी भी सर 2-3 साल हो गया हमको नहीं मिल रहा, पहले जूता वगैरह मिल जाते थे और अभी कुछ भी नहीं। हम अपने पैसे से जूता खरीदते हैं और सब कुछ अपने पैसे से करते हैं, कोई हाजिरी कार्ड भी कुछ नहीं। वो खाली हर शनिवार को परमिट होती है, उसी में 6 लेबर रहते हैं एक गैंग में, वही अपन में बांट लेते हैं। आपकी हाजिरी कैसे लगाई जाती है? हाजिरी वो हमारी लगती है रजिस्टर में, वो सुपरवाइजर लोग लगाते हैं गैंग बाई गैंग। क्या कुछ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो, जैसे कि हमें 200 रुपये बॉक्स दिया जा रहा है, हमको 1100 रुपये पहले मिलता था और 1100 रुपये ही हमें चाहिए। हमारी मांग ये है और हम कुछ नहीं चाहते। और हम नगर परिषद नौरोजाबाद के निर्वाचन की तिथियां घोषित हो गई हैं। कांग्रेस परिवार नगर पंचायत में अपनी परिषद बना के और जो जनता पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, शोषण और अत्याचार से पीड़ित है, एक जिम्मेदार परिषद का गठन करके और जो अव्यवस्थाएं हैं नगर पंचायत में उनको दूर करना चाहती है। उस संदर्भ में आज यहाँ पर बैठक हुई है। हमारे प्रभारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए हैं भाई नीरज द्विवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और जिस तरीके से पार्षद पद के दावेदार हर वार्ड से निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे निश्चित है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की परिषद पूर्ण बहुमत के साथ नगर पंचायत में काबिज होगी और कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी निर्वाचित होंगे और जनता के जो उम्मीदें और पर खरे उतरे। ये 31 तारीख की रात 12 बजे से AK लॉजिस्टिक कंपनी है, इनको काम हैंडओवर किया गया है। मैं कंपनी का लीगल काम देखता हूँ। ये कंपनी में जो अनलोडिंग कोयला आता है उसकी अनलोडिंग का काम जो है इनको बाकी काम के साथ भी अनलोडिंग का काम भी दिया गया है। अनलोडिंग में क्या है, 2 प्रकार के बॉक्स आते हैं, एक आता है एन बॉक्स आता है, एक BOBRN आता है। एन बॉक्स जो है 6 आदमी से खाली होता है, BOBRN में सिर्फ 2 आदमी की आवश्यकता पड़ती है, उसी हिसाब से बोर्ड रेट भी देता है। अब ये है कि BOB का इनका कहना है कि जो एन बॉक्स का पेमेंट हो रहा है वही BOB में हो, जो किसी भी हालत में ये मांग संभव नहीं है मांग लेना। बताया जा रहा जो पिछले ठेकेदार थे उनका BOB का भी यही रेट। हाँ उस समय चूंकि BOBRN कम आती थी, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा BOBRN का आना चालू हुआ। पहले BOB इक्का दुक्का कभी महीने में एक आध बार आती थी, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो कभी स्टैंड हो पाया, वो कंटिन्यूएशन में चलते गया। लेकिन अब चूंकि BOB आ रही है और नई जो कंपनी आई है, ये कंपनी BOB जो है वो मैन पावर है, चूँकि 20 आदमी से ज़्यादा लगना नहीं है, 120 आदमी को लगा के वो रखेंगे। BOB खाली होती है मैनुअल में, मैंने मैन पावर में 20 आदमी में, और एन बॉक्स खाली होता है ये बक्स सिस्टम से खाली होता है। इनके द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप इन्हें सुरक्षा उपकरण कोई भी मुहैया नहीं करवाते हैं, ना ही नहीं गेट पास नहीं, इनको समय समय पे गमछे, हेलमेट, जूते दिए गए हैं। अब क्या है, ये लेबर बदलते भी रहती है, कई काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, कई आते हैं चले जाते हैं। अब नए लोगों की जानते हो, मैं अब मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं, उसको देख करके बता पाऊंगा पूरी जानकारी। कई पुराने लेबर भी खड़े हैं, वो मैं देख क्योंकि और ऑफिस से ही देख के बता पाएंगे कि कब भुगतान हुआ इनको। जितने लेबर का काम कर रहे हैं किसी के पास भी गेट पास या उनकी पहचान पत्र नहीं है कि वो नहीं, गेट पास तो इशू कराए गए हैं, अब उसको भी देखना पड़ेगा कि कितने लोगों का इशू है, वो मैं आपको रिकॉर्ड बाद में दे सकता हूँ यदि आप चाहें। पता चला कि गेट पास सिक्योरिटी से इशू हो चुके हैं लेकिन ठेकेदार के द्वारा लेबरों को नहीं दिया। नहीं, अब ये तो ऑफिस में जाके ही देख पाएगा आदमी।